बॉबी देओल एक बार फिर से अपने करियर में सफलता का स्वाद चख रहे हैं। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम से जहां उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को इम्प्रेस किया, तो वहीं रणबीर कपूर की एनिमल में कम टाइमिंग में ही पूरी लाइमलाइट चुरा कर ले गए। अब हाल ही में उनकी वेब सीरीज आश्रम के चौथे सीजन को लेकर एक अपडेट सामने आई है। साल 2023 देओल परिवार के लिए बहुत ही शानदार रहा। बीते साल सनी देओल ने जहां गदर 2 से बॉक्स ऑफिस पर हड़कंप मचा दिया, तो वहीं संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में बॉबी देओल ने अपने 15 मिनट के रोल में ही पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी। हालांकि बॉबी देओल ने सालों बाद अपनी जोरदार वापसी एनिमल से नहीं बल्कि वेब सीरीज आश्रम से की थी, जिसमें एक्टर ने बाबा निराला का किरदार निभाया था। इस रोल में बॉबी देओल को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि फैंस ने उन्हें लॉर्ड बॉबी का टैग दे दिया। आश्रम के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। अब बॉबी देओल के आश्रम 4 को लेकर एक अपडेट सामने आ गई है, जिसे सुनते ही फैंस खुशी से झूम उठेंगे। आश्रम के 3 सफल सीजन के बाद जैसे ही दर्शकों को ये भनक लगी थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर इस सीरीज का 4th सीजन भी आएगा, तो फैंस खुशी से झूम उठे थे। अब हाल ही में बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला के राइट हैंड बने एक्टर चंदन रॉय सान्याल ने बताया कि क्राइम थ्रिलर सीरीज आश्रम का अगला सीजन इस साल के अंत तक मेकर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकते हैं। आश्रम 4 को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि एक्टर चंदन रॉय सान्याल ने आश्रम में भोपा स्वामी का किरदार निभाया था। आश्रम में बाबा निराला संग मिलकर जप नाम करने वाले भोपा स्वामी ने इस बातचीत में यह भी बताया कि प्रकाश झा की वेब सीरीज पर अभी कितना काम रह गया है। चंदन रॉय सान्याल ने बताया कि वेब सीरीज का कुछ स्क्रिप्टिंग वर्क और कुछ सीन होना अभी बस बाकी है। उन्होंने ये भी बताया कि क्राइम थ्रिलर सीरीज आश्रम का लोगों पर किस तरह इम्पैक्ट रहा। चंदन ने बताया कि वो जहां भी जाते हैं लोग उन्हें जप नाम कहकर ग्रीट करते हैं। आपको बता दें कि आश्रम सीरीज ने एक बार फिर से बॉबी देओल के करियर को ट्रैक पर लाने में काफी मदद की थी।